हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामर्स बॉन्ड। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिम्स एल्गोरिथम। इससे पहले हमने क्रुस्कल एल्गोरिथम डिस्कस की थी, जो कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री फॉर्म करने में काम आती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रिम्स एल्गोरिथम, जो कि सेम एप्लीकेशन में यूज होती है। तो इससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं प्रिम्स एल्गोरिथम। तो प्रिम्स एल्गोरिथम भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने में काम आता है। हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता था, जिसमें हम इस तरीके से ग्राफ की वर्टिसेस को कनेक्ट करते थे कि कोई साइकिल फॉर्म नहीं होती थी, और जो एजेस का वेट होता था वो मिनिमम होता था। पिछली वीडियो में हमने क्रुस्कल से मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैसे फॉर्म करते हैं ये सीखा था। आज हम प्रिम्स एल्गोरिथम से मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैसे फॉर्म करते हैं ये सीखेंगे। तो इट स्टार्ट्स विद अ सिंगल नोड डेट इज टर्म्ड एज रूट नोड, देन एक्सप्लोर्स ऑल द एडजेसेंट नोड विद द कनेक्टिंग एजेस एट एवरी स्टेप। हम एक नोड को सोर्स नोड चुन लेंगे, फिर हम उसके नेबर्स को एक्सप्लोर करेंगे। अब जैसे अगर हमने जीरो को देखा, तो जीरो के दो नेबर्स हैं, 5 और 1। तो इन दोनों में से किसकी वैल्यू कम है, 5 की। मतलब 5 पे जाने के लिए कम वैल्यू लग रही है, तो हम 5 पे जाएंगे। फिर इससे इसके नेबर्स को एक्सप्लोर करेंगे। पिछली क्रुस्कल में हम क्या करते थे, हम सारी एजेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते थे, देन उसके हिसाब से मिनिमम स्पैनिंग ट्री फॉर्म करते थे। लेकिन इसमें हम एक एक नोड पे जाकर एक्सप्लोर करेंगे उसके नेबर्स को, और उससे मिनिमम स्पैनिंग ट्री फॉर्म करेंगे। तो हम एजेस कब तक ऐड करेंगे, जब तक वो n-1 के इक्वल ना हो, जहाँ पे हमारी n क्या है, नंबर ऑफ वर्टिसेस। मिनिमम स्पैनिंग ट्री की हमने प्रॉपर्टीज में देखा था कि जितनी नंबर ऑफ वर्टिसेस होती हैं उससे एक कम एजेस होनी चाहिए। तो हम उसी को सेटिस्फाई करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। तो सोर्स नोड को हम लेते हैं 0। तो हमारी सोर्स नोड कौन सी है, 0। अब 0 के दो नेबर्स हैं, 5 और 1। सबसे पहले सबका डिस्टेंस था इन्फिनिटी, मतलब सबका डिस्टेंस हम इन्फिनिटी मान लेंगे सोर्स नोड से। अब जैसे हमने सोर्स नोड को एक्सप्लोर किया, तो इसके दो नेबर्स थे 5 और 1। तो 0 के दो नेबर्स थे 5 और 1। अब अगर हम देखें तो 5 पे जाने के लिए हमें कितना डिस्टेंस लग रहा है, 10, और 1 पे जाने के लिए कितना डिस्टेंस लग रहा है, 28। तो इन दोनों में से कौन सा कम है, 10, तो हम 10 ले लेंगे। तो साथ में हम अपना मिनिमम स्पैनिंग ट्री भी बनाते रहते हैं, 10। अब हम 5 पे आएंगे, 5 पे आते हुए 5 का नेबर कौन है, 25। ये तो हम ले चुके हैं, तो 5 का नेबर है 25, मतलब सॉरी 5 का नेबर है 4, और उस पर जाने के लिए कितना वेट है हमारा, 25। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, 25 और 28 में से सबसे कम कौन सा है, 25, तो हम 25 को ले लेंगे। आई होप आपको प्रोसेस समझ आ रहा होगा। हम सबसे पहले एक सोर्स नोड लेंगे, उसके नेबर्स को देखेंगे, उसके नेबर्स में जिसका सबसे कम वेट होगा उसे हम जोड़ देंगे। फिर जिस नोड पे हम पहुंचे हैं, जैसे कि हम 5 पे पहुंचे थे, तो 5 के नेबर्स को देखेंगे। अब 5 का नेबर कौन था, 4, जिसका वेट था 25। लेकिन हमारी एक 28 वाली एज बची थी, तो हम 28 और 25 को कंपेयर करेंगे कि कौन सा छोटा है। अब कौन सा छोटा था, 25, तो हमने 25 को कनेक्ट कर दिया। अब 4 पे आते हैं, अब 4 के दो नेबर्स हैं 6 और 3। 4 के दो नेबर्स हैं 6 और 3। 6 का वेट कितना है, 24, और 3 पे जाने के लिए 22। तो ये तो हमने ले लिया था। अब 28, 24 और 22 में से देखेंगे कौन सा छोटा है, कौन सा छोटा है, 22, तो हम इसे ले लेंगे। अब 3 के नेबर्स को देखते हैं, 3 के नेबर कौन है, 6 और 2। इस केस में 6 पे जाने के लिए हमें कितना वेट लग रहा है,
18, और 2 पे जाने के लिए कितना वेट लग रहा है, 12। तो इसमें से सबसे छोटा कौन है, 2, तो हम इसे ले लेंगे। अब 2 पे आते हैं, 2 का नेबर कौन है, 2 का तो एक ही नेबर है 16, तो इसकी 2 का नेबर है 1, और इस पे जाने के लिए कितनी वेट लग रही है, 16। तो अब हम कंपेयर करते हैं इन सब में से, 16, 18, 24 और 28, तो सबसे छोटा कौन है, 16, तो हम ये ले लेंगे। अब 1 के नेबर को देखते हैं, 1 का नेबर कौन है, 6, और 6 पे जाने के लिए कितना हमें वेट लग रहा है, 14। अब हमने 6 को देख लिए, 4 से भी 6 पे जा सकते हैं, 3 से भी 6 पे जा सकते हैं, और 1 से भी 6 पे जा सकते हैं। इन तीनों में से सबसे कम वेट किसका है, 14 का, तो हम 1 से 6 को जोड़ देंगे। अब हमारी जितनी भी एजेस थी हमारी कनेक्ट हो गई हैं, मतलब एजेस कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और वर्टिसेस कितनी है, 7। तो हमने प्रिम्स एल्गोरिथम के हिसाब से अपना मिनिमम स्पैनिंग ट्री फॉर्म कर लिया है। मैं एक बार फिर से प्रोसेस को एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले हम एक सोर्स नोड चुनेंगे, उसके नेबर्स को देखेंगे, जिसका सबसे कम वेट होगा उसे उसे कनेक्ट कर देंगे, फिर जिस नोड पे हम पहुंचे हैं उनके नेबर्स को देखेंगे, फिर कंपैरिजन करते हुए जिसका सबसे कम वेट होगा उसे जोड़ देंगे, और ऐसे ही करते करते हम अपना मिनिमम स्पैनिंग ट्री फॉर्म कर लेंगे। तो आइए इसके एल्गोरिथम को डिस्कस करते हैं। फॉर ईच यू बिलोंग्स टू वी ऑफ जी, डू की ऑफ यू इक्वल टू इन्फिनिटी। सबसे पहले जितनी भी वर्टिसेस हैं ग्राफ की, सबके डिस्टेंस को इन्फिनिटी कर दो, यानी अभी तक हमने किसी को भी एक्सप्लोर नहीं किया है। सबके पेरेंट को, मतलब किसी का भी पेरेंट डिफाइन नहीं है। आर, आर हमारी क्या है, सोर्स नोड। जैसे ही हमने सोर्स नोड को एक्सप्लोर किया, सोर्स नोड का खुद से डिस्टेंस क्या है, 0, तो की ऑफ आर इक्वल टू 0। क्यू हमारा एक प्रायोरिटी क्यू है, प्रायोरिटी क्यू हमने क्यों यूज किया है, क्योंकि हमें वेट देखना है। अब जिसका वेट कम होगा उसे हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, तो क्यू में हमने सारी वर्टिसेस को डाल दिया। अब जब तक हमारा क्यू खाली नहीं रहता तब तक हम लूप चलाएंगे, सबसे जो कम वेट वाली एज होगी उसे लेंगे और उसे कनेक्ट कर देंगे। और अब जो वी, जिस वी पे हम पहुंचे हैं उसके एडजेसेंट नोड देखेंगे, अगर वो क्यू में एग्जिस्ट कर रही है और उसका वेट पिछले वाले की से कम है, यानी पिछले वाले उसके वेट से कम है, तो उसके पेरेंट को हम बना देंगे जिससे उसे हमने एक्सप्लोर किया है। जैसे पिछले एग्जाम्पल में हम 6 से 3 पाथ से जा सकते थे, 4, 3 और 1, लेकिन सबसे कम पाथ किसका था, 1 से, तो हमने 1 को 6 से जोड़ दिया, तो 6 का पेरेंट कौन हो जाएगा, 1, और की ऑफ वी में जो हमारा वेट था वो डाल देंगे। तो ये थी हमारी प्रिम्स एल्गोरिथम, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ वी प्लस सी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।